So today we learn about the analytical chemistry of the numerical problems. हमें क्या दिया है? How much the calcium oxide and carbon dioxide will be produced by decomposition of 10 gram of calcium carbonate? तो सबसे पहले solution में हमने क्या लिख दिया है? Calcium carbonate decomposes according to the balance equation. हमें equation को क्या करना होगा? Balance करना होगा. तो equation balance करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले वो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी. रिएक्शन में क्या कर रहे हैं हम? क्या दिया है आपको? CaCO3. इट मींस CaCO3 मींस क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट. अब कैल्शियम कार्बोनेट से हम क्या निकालने वाले हैं? कैल्शियम ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड. इसके लिए हमको क्या देना पड़ेगा? हीट देना पड़ेगा. अब हीट दे रहे हैं हम इसको, तो क्या फॉर्म हो रहा है हमारा? CaO. CaO मींस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है. कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है? 40 हो गया. कैल्शियम के कितना एटम्स है? 1 एटम्स है. फिर देखेंगे कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12 है. फिर ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं हमारे? 3 एटम्स है. मींस 3 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16. इसको बैलेंस कर लेते पहले. 40 प्लस 12 52 प्लस 16 3 इज 48. ओके, तो ये कितना हो गया? 52 प्लस 48 हमारा हो गया 100 पार्ट्स. 100 पार्ट्स इट मींस द 100 ग्राम हो गया. कौन हो गया हमारा? कैल्शियम कार्बोनेट हो गया. अब बात करेंगे किसकी? कैल्शियम ऑक्साइड की. कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना है? 40 है. कैल्शियम क्या है? सिंगल है. ऑक्सीजन भी क्या है हमारा? सिंगल है. और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है हमारा? 16 हो गया. इक्वल्स टू बाद में इसका देखेंगे क्या है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन का कितने एटम्स है? 1 एटम है. कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12 है. प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम्स है हमारे? 2 एटम्स है. इट मींस 2 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का कितना है एटॉमिक मास? 16. 16 लिख दिया है यहाँ पे. अब देखते हैं इक्वल्स टू का साइन बीच में होगा हमारा. ये हमारे बैलेंस होना चाहिए. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. अब यहाँ पे देखेंगे 40 प्लस 16 कितना हो गया हमारा? 56 ग्राम हो गया. प्लस इट मींस 56 पार्ट्स. इसको हम क्या करेंगे? ग्राम में कर देंगे. प्लस 12 16 टू 32. अब यहाँ कितना आया था हमारा? 56 पार्ट्स आर द ग्राम. प्लस 12 प्लस 32 कितना होता है हमारा? 44 पार्ट्स. और क्या हो गया हमारा? ग्राम में आ गया. अब 56 का अगर 42 करेंगे हमारा क्या आ जाएगा? 100 ग्राम. हमने क्या कर दिया? बैलेंस इक्वेशन कर दिया. यहाँ पे क्या था हमारा? कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या दिया? हीट दिया. फिर क्या काम हो रहा है हमारा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. अब इनका एटॉमिक मास हमने बैलेंस करके देख लिया. यहाँ पे 100 ग्राम हो गया. यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिले हमें और उसका भी क्या हो गया हमारा? 100 ग्राम बैलेंस हो गया. सो अब क्या होगा? क्या था हमारा? 100 ग्राम ऑफ कौन था हमारा? CaCO3. CaCO3 मींस कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस क्या कर रहा है? सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्रोड्यूसेस कैल्शियम ऑक्साइड. कितना प्रोड्यूस किया हमारा? 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड. और इसका लर्न करेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड हमारा कितना प्रोड्यूस हो रहा है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. क्या था हमारा? कैल्शियम कार्बोनेट 56 ग्राम डिवाइडेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट कितना था हमारा यहाँ पे मास उसका? 100 ग्राम. मल्टीप्लाई क्या करेंगे? डिकम्पोजिशन कितना हो रहा है और 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. इट मींस मल्टीप्लाई बाय 10 ग्राम. यहाँ ग्राम दिया है, यहाँ ग्राम दिया है. डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का ग्राम ग्राम क्या हो गया हमारा? कैंसिल हो गया. फिर यहाँ पे 10 दिया है, इसका 0, इसका 0 कैंसिल. अब क्या बचा है आपके पास? 56 डिवाइडेड बाय 10. इट मींस दैट क्या होगा अभी? 56 डिवाइडेड बाय 10 5.6 ग्राम क्या हो गया हमारा? ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ओके,
बाद में देखेंगे। हमारा क्या था, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या कर रहा है प्रोड्यूसेस, कितना प्रोड्यूस किया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, 44 ग्राम, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका भी वैसे ही क्या होगा हमारा, 44 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम मल्टीप्लाई, कितना लिया था हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मल्टीप्लाई बाय 10, 0 0 कैंसिल, 44 डिवाइडेड बाय 10 हमारा क्या होगा, ये ग्राम ग्राम कैंसिल, 44 डिवाइडेड बाय 10 4.4 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब हमारा कार्बन का कितना, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 4.4 ग्राम और यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड का कितना है 5.6 ग्राम। ओके,